आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। साल 2023 की जुलाई, मणिपुर भयंकर हिंसा से जूझ रहा था। इसी दौरान एक विभत्स वीडियो वायरल हुआ जिसमें बहुत से पुरुष ग्रुप बनाकर दो महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे थे। पुलिसिया कार्रवाई तो हुई इस मामले पर, लेकिन इसी दौरान एक टर्म चर्चा में आता है, जीरो FIR। साल 2012 में संविधान में जोड़े गए इस नियम की इस बात के लिए भी चर्चा हो रही थी कि पुलिस ने इस मामले में पीड़ितों के FIR तो छोड़ दें, जीरो FIR तक नहीं की। क्या है ये जीरो FIR और किन मामलों में ये प्रभावी हो जाता है, आज ढूंढेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो, मैं हूं रोहित अनिल त्रिपाठी और ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। अमूमन कोई भी व्यक्ति अपने साथ हुए अपराध को पुलिस थाने पर जाकर दर्ज करा सकता है। पुलिस उस घटना को FIR यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तौर पर दर्ज करती है। FIR दर्ज होने के बाद केस में आगे की जांच पड़ताल शुरू होती है, लेकिन ये FIR व्यक्ति को उसी थाने में दर्ज करवानी होती है जो क्राइम लोकेशन के सबसे पास हो। हर पुलिस थाने का अपना एक अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे दिल्ली के किसी कॉलोनी के थाने में काम करने वाली पुलिस नोएडा आके अपना अधिकार क्षेत्र होने का दावा नहीं कर सकती, लेकिन कुछ मामले बेहद संगीन होते हैं। ऐसे में अधिकार क्षेत्र की खोज से FIR दाखिल करने में देरी हो जाती है। जब तक हमें ये पता चलता है कि ये मामला किस थाने का है, तब तक हो सकता है बहुत देरी हो चुकी हो। जैसे महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो, हत्या से जुड़ा कोई मामला हो या किसी पीड़ित को जान का खतरा हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि अधिकार क्षेत्र में होने के बावजूद पुलिस संगीन अपराधों को दर्ज करने में कतराती है। इस समस्या से निपटने के लिए आया था ये प्रावधान, या ये कहें ये नियम, जीरो FIR। ऐसे मामले जो बेहद संगीन है या जिन्हें लोकल पुलिस दर्ज करने में आनाकानी करे, पीड़ित व्यक्ति ऐसे मामलों को किसी भी पुलिस थाने में जीरो FIR के तौर पर दर्ज करवा सकता है। क्यों पड़ी थी इस नियम को जोड़ने की जरूरत और किस तरीके से जीरो FIR काम करता है, इस सवाल का जवाब देते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर विराग गुप्ता। जो सियासी की धारा 154 में FIR के बारे में कानून है, और उसके अनुसार अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी शिकायत दर्ज करना, लिखित शिकायत दर्ज करना पुलिस को जरूरी है। अब इसमें है क्या कि जो एक नियम है कि जिस ज्यूरिस्डिक्शन में जो पीड़ित व्यक्ति रहता हो या जहां पर अपराध हुआ हो, सामान्यता वहीं पर ही FIR दर्ज करने का कानून है, क्योंकि वही थाना उसकी जांच कर सकता है। लेकिन दूसरे थानों पर भी FIR हो सकती है, जैसा कि क्लियर है आजकल जो ऑनलाइन ऑफेंसेस होते हैं और ट्विटर के या फेसबुक के सोशल मीडिया के ऑफेंस कहीं भी होता है, लेकिन FIR कहीं भी लोग दर्ज करा देते हैं। लेकिन इसके बारे में जो सुनिश्चित नियम है वो निर्भया मामले के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज थे, उनकी कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो कानून बना, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, उसके बाद फिर इसमें जो बदलाव हुए और उसके हिसाब से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सारे राज्यों को गाइडलाइंस इश्यू की, उसके बाद से इसको एक कानूनी स्वरूप और मान्यता मिल गई है, और जिसका कि कई बड़े मामलों में इस्तेमाल भी हुआ है। विशेष तौर पर आसाराम बापू का जो केस है, जो जोधपुर रेप कांड है और जिस पर अभी नेटफ्लिक्स में एक बड़ा सीरियल भी चालू हुआ है, तो वो भी जीरो FIR पर ही बेस्ड था। अब ये भी समझ लेते हैं कि जीरो FIR के नाम के पीछे का क्या लॉजिक है। तो ऐसा है कि ये किसी भी पुलिस थाने में फाइल की जा सकती है, जैसा विराग बता रहे थे। ऐसे में FIR को कोई सीरियल नंबर नहीं मिलता, बल्कि जीरो नंबर के साथ दर्ज करने वाले का नाम होता है। लेकिन कई दफे ऐसे मामले भी आए जब पुलिस जीरो FIR से भी बचती रही। कई बार इसके पीछे अपराधियों का रसूख होता है, कई बार पुलिस अपना रिकॉर्ड क्लियर रखने को भी करती है, और कई बार ये लापरवाही भी होती है, जैसा मणिपुर में भी हमने देखा। तो सवाल ये है कि अगर पुलिस ऐसा करे तो इसका क्या इलाज है, विराग बताते हैं। देखिए, पहले नंबर पर तो जब जीरो FIR दर्ज करने वाला व्यक्ति है, उसको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो ज्यूरिस्डिक्शनल थाना है वहां पर FIR क्यों नहीं दर्ज कराई गई है। क्योंकि ज्यूरिस्डिक्शनल थाने में FIR अगर दर्ज नहीं हो रही है, तो कानून के अनुसार उसके लिए एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट के यहाँ पर शिकायत दर्ज कराकर FIR दर्ज कराने की कोशिश होनी चाहिए। जीरो FIR सामान्यता दो परिस्थितियों में दर्ज होती है। पहला, कि जहां पर ज्यूरिस्डिक्शनल थाना वहां पर पीड़ित व्यक्ति जाने में घबरा रहा हो, जा नहीं पा रहा हो, और दूसरा
कि जब विशिष्ट परिस्थितियों में जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, तो ये एक बहुत जरूरी हो जाता है कि दूसरे थाने में वो जीरो FIR, जैसे अगर कोई व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया तो फिर जीरो FIR दर्ज कराने का है, क्योंकि 1000 किलोमीटर दूर व्यक्ति कैसे जाएगा। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में ये अल्टरनेट रूट नहीं है, इसलिए अगर जीरो FIR दर्ज करने से कोई पुलिस वाला अगर मना करता है तो फिर उसमें रिलीफ वही है जो FIR दर्ज करने में नहीं है। लेकिन उस मामले में जो ज्यूरिसडिक्शनल थाना है उसको भी पार्टी कोर्ट केस में बनाना होगा। हर कानून के दो पहलू होते हैं, जरूरत और दुरुपयोग। ये नियम जब निर्भया रेप केस के बाद लाया गया तो उम्मीद की गई थी कि इसके जरिए पीड़ितों को बेसिक कानूनी मदद मिल सके, लेकिन बात जरूरत के आगे भी है और वो दुरुपयोग तक जाती है। विराग कहते हैं, नहीं देखिए, जीरो FIR या FIR दोनों का यूज मिसयूज भारत में बड़े पैमाने पर हो रहा है, और जीरो FIR कई बार सेंसेशनल पर्पस के लिए भी उनका इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बियॉन्ड सर्टेन लिमिट उनका मिसयूज करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि जीरो FIR में जो FIR दर्ज होती है वो ट्रांसफर होकर ज्यूरिस्डिक्शनल थाने में जाती है, और वहां पर नए तरीके से FIR दर्ज होने के बाद और उसमें फिर कार्रवाई चालू होती है। इसलिए जीरो FIR एक सीमित अर्थों में एक ऑप्शन है जिसका दुरुपयोग के बारे में भी NCRB ने कोई संगठित आंकड़े जारी नहीं किए हैं, इसलिए यह मानना या नहीं मानना अभी जल्दबाजी है कि इसका दुरुपयोग हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। और FIR के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी कानून में अनेक प्रावधान हैं। गलत शिकायत अगर कोई FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रावधान है, और अगर कोई व्यक्ति गलत FIR दर्ज करा रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए प्रावधान है। लेकिन भारत में दिक्कत यह है कि इन सारे कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, जो अदालती न्याय है, वो बहुत लेट मिलता है, इसलिए लोग इस तरह के मामलों में अपना एक जो समाधान है या अधिकार हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये थी जीरो FIR के बारे में सारी डिटेल्स जो हम आज आपके लिए ज्ञान ध्यान में लेकर आए थे। आपको कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट लिख के बताइए हमें। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है। 9953233303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे हमें वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। आज के ज्ञान ध्यान को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने। साउंड मिक्सिंग कर रहे थे हमारे साथी सचिन द्विवेदी। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब मुझे इजाजत दीजिए। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।